दोस्तों, आप अगर बैंकॉक आए हो और आप अगर चाइनाटाउन नहीं आए हो तो आप अपनी आइटनरी में जरूर कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। चाइनाटाउन आने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, फॉर एग्जांपल कैब, टुक टुक या बीटीएस। पर मैंने चूज किया यहाँ का लोकल बस जो कि एयर कंडीशन था और इसने मेरे से खाली 12 बात लिए और 45 मिनट्स की बस राइड थी और 12 स्टॉप्स से। तो ये मुझे सबसे कन्वीनियंट पड़ा राइड में, तो मैंने सबसे ये कन्वीनियंट तरीका चूज किया चाइनाटाउन आने का। आप ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके चाइनाटाउन आ सकते हो। अगर आप पीक आवर में आते हो, जैसे 11 बजे या 12 बजे जैसे मैं आया था, यहाँ पे धूप बहुत तगड़ा रहता है, तो आपको यहाँ पे आना है तो एक छाता आप ला सकते हो, नहीं तो कैप आप जरूर पहन के आना, क्योंकि यहाँ पे जो 12 बजे का धूप है बहुत स्क्रैचिंग हीट होता है। ये चाइनाटाउन का एक्चुअल मार्केट है और यहाँ पे आपको ऐसे स्मूदीज मिलेंगे, ये ऑरेंज स्मूदी है और ये पोमोग्रेनेट का स्मूदी है। 30 से 50 बार तक आपको ये मिल जाएगा और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी थी। ये कुछ ग्रेप्स थे जिनकी प्राइस थी 200 बात और ये पर किलो 200 बात थे। चाइनाटाउन में आपको बहुत सारे सुवेनियर्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल क्लोथ्स मिलेंगे, एंटीक्स, चाइनीज टीज मिलेंगे, फिर डेकोरेटिव आइटम्स लाइक लैंटर्न मिलेंगे, चाइनीज हैंडीक्राफ्ट, बैग, शूज, फिर कॉमन सुवेनियर्स जो रहते हैं हमारे कप, फ्रिज, मैगनेट्स, की चेन्स, लाइटर्स, सिगरेट बॉक्सेस, मोबाइल केसेस, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो आप कटलरी का शॉप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा शॉप है। यहाँ पे आपको बहुत सारे चाइनीज बॉल्स और अंदर बुद्धा के मूर्तिज मिलेंगे जो आप एक सुवेनियर के तौर से इंडिया में ला सकते हो या अपने पास रख सकते हो या किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ये अलग प्रकार के फेंशुइज है जो आपको यहाँ पे चाइनाटाउन में ही दिखेंगे पूरे बैंकॉक में। मैं ये सब फेंशुइज देख के स्टंट रह गया था, क्योंकि ये थोड़े अलग प्रकार के फेंशुइज थे। हमने खाली यही प्रकार के फेंशुइज इंडिया में देखे थे। आपको ये फेंशुइज चाहिए तो आप ले सकते हैं, इनकी रेंज है 20 बात से लेके 200 बात तक। चाइनाटाउन में बहुत घूमने के बाद मैं थोड़ा थक चुका था और कुछ देर चलने के बाद मुझे ये मसाज के चेयर्स मिले। इनकी प्राइस थी 50 मिनट्स के लिए, ये लोग 50 बार चार्ज करते हैं। आगे चल के मुझे कुछ क्लोथ्स के शॉप दिखे जिनकी प्राइस थी, ये बॉक्सर्स जो आपको दिख रहे हैं वो 99 बात की थी। उसके बाद ये शर्ट्स थे जो 150 बात के थी, जीन्स 199 से लेकर 399 बात तक थी। तो यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ क्लोथ्स मिलेंगे और चाइनाटाउन में आपको क्लोथ्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे और ये सब कॉपी है। और ये जो आपको दिख रहा है वो यहाँ का ज्वेलरी का शॉप है। यहाँ पे ऐसे ज्वेलरी के शॉप्स आपको पटाया में भी दिखे रहेंगे। कुछ देर घूमने के बाद मुझे ये फ्रूट्स दिखे और ये पेरू मैंने लेने का सोचा, पर यहाँ पे ये लोग सब कुछ होलसेल में बेचते हैं। मतलब ये लोग एक सिंगल पेरू नहीं बेचेंगे, ये लोग बेचेंगे तो ये पूरा पैकेट बेचेंगे, जिसकी प्राइस कम से कम 50 बात थी। लेफ्ट साइड में चलते चलते मुझे ये डुरियन दिखे और मैं इस गली में घुस गया। दिखने में तो ये फुल जैकफ्रूट की तरह दिख रहे थे, पर मुझे ट्राई भी करना था, पर एंड में मैंने ये ट्राई नहीं किया और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। रियलाइज हुआ कि जिस गली में मैं घुसा हुआ था, इस गली में पूरे मसाले ही मसाले थे और ये मेरे कुछ काम का नहीं था। 5 मिनट बाद आगे चलने के बाद मैंने मेरे लेन चेंज किया और दूसरे लेन में चला गया। मैं यहाँ पे दिन में आया था, पर मैंने रात का पूरा सीन मिस कर दिया, क्योंकि रात को यहाँ पे पूरा नज़ारा ही अलग होता है। यहाँ पे आपको रात को अलग अलग अच्छे अच्छे कुजींस मिलेंगे और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीट फूड भी एंजॉय करने को मिलेंगे। अचानक मेरी मुलाकात इन साइकिल राइडर्स के साथ हो गई और मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग साइकिल टूर ले रहे हैं और ये यहाँ पे रुके हुए थे एक चाइनीज डिश ट्राई करने के लिए। ये लोग 10 से 20 जन थे टोटल साइकिल राइडर्स और पूरी चाइनाटाउन की टूर करके ये लोग बहुत खुश लग रहे थे। ये कुछ कार माउंट्स थे जो हम लोग कार के अंदर मिरर पे जो फेंशुई जैसे कुछ टंगाते हैं वैसे थे ये, और यहाँ पे इनकी प्राइस थी 50 बात से लेके 100 बात तक। चाइनाटाउन में चलते चलते बहुत टाइम हो चुका था और कुछ देर बाद मुझे ये पानी का शॉप दिखा। यहाँ से मैंने एक पानी की बॉटल ली जो बैंकॉक सिटी में 15 बात की मिल रही थी, वो यहाँ पे 10 बात में मिल रही थी। मैंने कुछ पानी पिया और थोड़ा ही आगे गया तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप दिखा
शॉप में बहुत सारे USB, HDMI, ईयरफोन्स थे और ये अलग अलग कंपनीज के भी ये लोग बेच रहे थे, फॉर एग्जांपल JBL, सोनी, सेनहाइजर, पर सब कॉपीज थे। और ये मुझे एक बैग मिली जो हम लोग ट्रैवल करते वक्त हम लोग के फ्रिस्क के यहाँ पे या फिर कंबर के यहाँ पे बांध सकते हैं, इसमें हम लोग अपने पैसे रख सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगी ट्रैवलिंग के लिए, खास करके एयरपोर्ट्स पे और ये सब जगह पे और हम लोग आते हैं वैसे। पर ये 150 बात में थी और मैंने बार्गेन करके उससे 75 बात या फिर 100 बात में मांगा, पर इसने मना कर दिया। मैंने इसके ये भी कहा कि मैं 2 से 3 लूँगा, तो फिर भी ये बार्गेन करने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थी। और ये बहुत अच्छा बैग्स था, यहाँ पे ये स्पीकर्स और ये सब भी थे, मैंने चेक भी किए, पर क्वालिटी मुझे थोड़ी ओके लगी, इसलिए मैंने एक भी ख़रीदा नहीं और आगे बढ़ते गया। आगे मुझे बहुत सारे अलग अलग शॉप्स दिखे, फॉर एग्जांपल ये टॉयज़ थे, कुशन्स थे और ये सब शॉप्स थे बच्चे लोग के। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के शॉप्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ये मुझे कीचेन के शॉप्स दिखे, यहाँ पे कुछ बैग्स के शॉप दिखे, तो ऐसे ऐसे शॉप्स आपको दिखते जाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग कीचेन्स थे, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का कीचेन था, फिर आगे चलते बनाना का कीचेन, मैंगो कीचेन, फिर ब्रेड था उसका कीचेन था, मतलब आपको कीचेन्स की तो यहाँ पे वैरायटी और भरमार मिलेगी ऐसे करके। ये 30 बात का था बनाना का कीचेन। तो ऐसे करके आप चाइनाटाउन में आ सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक मिक्स मार्केट है जिसका आपको ज़रूर एक बार यहाँ पे आके फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगी और मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूनिक मार्केट में ज़रूर मिलेगा।